Hello and welcome guys, myself Chirag Bakhtare. I am going to teach you about the physics and their natural phenomena, how to study the natural phenomenon. ओके सो इसके बारे में हम बात करते हैं और मैंने एक यहाँ पर सेंटेंस भी बड़े मजेदार लिखा है. इफ यू थिंक द फिजिक्स इज द हार्ड ध्यान श्योरली यू डिड नॉट लर्न फ्रॉम द गुड टीचर. बड़े चला है ये, आप ही सोच लेना कि क्या मैंने बोला है. लेकिन मुझे बात करनी है कि भाई कंसेप्चुअल नॉलेज मुझे चाहिए. भाई जी और मेंस कोई भी एग्जाम हो मेरे पास, कोई आई एम एग्जाम हो, कोई जाम के एग्जाम हो और कोई भी एग्जाम हो किसी भी तरीके, मुझे ये लर्न करना है कि भाई श्योरली और कंसेप्चुअल नॉलेज क्या है तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ. अच्छा सो ट्वेल्थ साइंस वाले खास करके मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं. मैं 8, 9, 10th एज वेल एज 11, 12th साइंस एंड BSc एंड MSc तक लेक्चर रहता हूँ. डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में देता हूँ. तो मुझे ये कई बच्चों ने बोला कि भाई सर सेमीकंडक्टर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी रही थी और उसकी एप्लीकेशन भी वैसे ज़्यादा है. मैं 19th सेंचुरी की अगर बात करूँ कि सबसे बड़ा इन्वेंशन मुझे लगता है और मुझे खास करके पसंद आता है ऐसा कोई इन्वेंशन है तो वो है LED, वो है ट्रांजिस्टर, वो है एम्पलीफायर, जिससे हमारे कोई भी तरीके के इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट चलते हैं उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे. उसके लिए हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कि भाई स्टार्ट करेंगे कि भाई सेमीकंडक्टर के बारे में, ये 12th और खास करके BSc का बहुत ही मजेदार टॉपिक है, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे. सो इन दी लेक्चर ऑन दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल और सेमीकंडक्टर वी शल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वी गिव अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर भाई क्या है. सेकेंडली एनर्जी बैंड गैप थियोरी. थर्ड types of semiconductor, that is the intrinsic and extrinsic semiconductor. And next, N-type and P-type semiconductor, we know, we heard there any kind of the pentavalent and trivalent impurities, yes or no? So, usse hi humne formation liya hai ki bhai P-type kya hai aur N-type kya hai. And next, PN junction diode ke formation and diode kaise banta hai, form hota hai, uske baare mein hum start karenge. And 7 number par PN junction diode under the forward and reverse bias. अगर मैं उसको forward bias दे रहा हूँ, भाई reverse bias क्या है उसके बारे में खास करके study करेंगे और deeply study करेंगे. ऐसा नहीं कि भाई जितना syllabus में ये जितना मुझे लिखना है exam में उतना ही study करें, बहुत ही deeply, बहुत ही conceptual knowledge मैं आपको provide करने वाला हूँ, ये समझ. और last है, last यानी कि diode के बारे में last है, उसकी application, application क्या रहती है कि भाई मुझे पता है कि भाई सोलार सेल, मुझे पता है कि भाई ये लाइट इमिटिंग डायोड LED, LED के बारे में तो आप जानते ही हो, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि कहाँ यूज़ होती है. और मुझे पता चले कि भाई रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर आपने पता है कि भाई आपके मोबाइल के जो चार्जर है उसमें कौन सी सर्किट लगी हुई होती है, रेक्टिफायर की, रेक्टिफिकेशन टू ट्रांसफर द AC सिग्नल टू द DC सिग्नल, उसके बारे में भी बात करेंगे. ज़ेनर डायोड एज़ वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में बात करेंगे भाई क्या है. एंड फोटो डायोड के बारे में, सोलार सेल के बारे में एंड लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में बात करेंगे. एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में. ओके एंड नेक्स्ट क्या है कि भाई ट्रांजिस्टर के बारे में, सो ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस, आपको पता है ट्रांजिस्टर के बारे में ट्रांसफर रेजिस्टर ऐसा कुछ है, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन दे देंगे कि भाई ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होता है, क्या ट्रांसफॉर्म करता है, रेजिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म करता है, उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन के बारे में कंसेप्चुअल थोड़ा ऐसा कंसेप्चुअल लगे. PNP एंड NP ट्रांजिस्टर, आपको पता है कि टू टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर के बारे में. एंड 11 कॉमन कनेक्शन, देयर इज अ कॉमन एमिटर कनेक्शन, देयर इज अ कॉमन बेस कनेक्शन एंड कॉमन कलेक्टर कनेक्शन. तो बेसिकली इन जनरल इन अवर डेली एंड डे टू लाइफ वी आर यूजिंग द कॉमन एमिटर कनेक्शन एंड देयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एज अ एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर एंड एक्स्ट्रा, कितने सारे एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं. तो इस तरीके से हम पूरे का पूरा सेमीकंडक्टर चैप्टर है उसका बेस स्टार्टिंग से लेके जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ से इन्वेंशन हुआ था भैया, वहाँ से लेके लास्ट तक यानी कि अभी क्या है उसके बारे में सब डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करूंगा भाई क्या है. ओके गाइस, सो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए.